Hello friends, welcome back to my channel Athlete Akash. My name is Akash and I am an athlete. So today I will talk about five most important exercises you can do in winter. So आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ पांच बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण एक्सरसाइजेस दोस्तों, जो कि आपको सर्दियों में करनी ही चाहिए दोस्तों। तो ये जो भी मैं एक्सरसाइजेस आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, ये सारी एक्सरसाइजेस एक फुल बॉडी एक्सरसाइजेस है। इट मीन्स हर एक एक्सरसाइज आपकी पूरी बॉडी को हिट करेगी, आपकी पूरी बॉडी को स्ट्रेंथन करेगी। अगर आप डेली बेसिस पे इन एक्सरसाइजेस को 5 से 10 मिनट भी अगर करते हैं दोस्तों, तो आप अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से फिट रख सकोगे और अपनी बॉडी को एक्टिव रख सकोगे। तो वीडियो में प्लीज़ बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखते रहें ताकि आप अपनी बॉडी को फिट रख सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एक्सरसाइजेस स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी एक्सरसाइजेस को करने से पहले, किसी भी फिजिकल वर्क में इन्वॉल्वमेंट लेने से पहले, आपको बिफोर एक्सरसाइजेस आपको वार्म अप स्ट्रेचेस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी बॉडी को प्रॉपरली स्ट्रेच करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले। और खासकर दोस्तों सर्दियों में इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि क्या होता है कि सर्दियों में हमारी बॉडी, हमारा ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है ठंड की वजह से, जिसकी वजह से हमारी बॉडी स्टिफ हो जाती है। तो अगर हम अपनी बॉडी को प्रॉपरली स्ट्रेच नहीं करेंगे बिफोर एक्सरसाइज, तो इससे क्या हो सकता है, इससे आपको मसल पेन हो सकता है, मसल स्ट्रेन हो सकता है। वार्म अप स्ट्रेचेस जरूर करें। तो वार्म अप स्ट्रेचेस की वीडियो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है और उसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप जरूर उसको चेक कर लें। तो चलिए दोस्तों, अब एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज होने वाली है वो एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, फुल बॉडी एक्सरसाइज है। एंड दोस्तों, साथ ही साथ ये एक वार्म अप एक्सरसाइज भी है। आप कोई भी एक्सरसाइज करने जाते हैं तो इससे पहले आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इसका नाम है जंपिंग जैक। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ किस तरह आप जंपिंग जैक को परफॉर्म कर सकते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ इसको आपको कितने देर तक करना है। तो जंपिंग जैक को आप 30 सेकेंड से 1 मिनट तक परफॉर्म कर सकते हैं। आप 30 सेकेंड के दो सेट लगा सकते हैं जंपिंग जैक के जब आप इसको परफॉर्म करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको जंपिंग जैक किस तरह परफॉर्म करते हैं। ये तो ये थी दोस्तों हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। अब हम बात करेंगे अपनी सेकंड एक्सरसाइज की, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बेस्ट एक्सरसाइज है। इसका नाम है हाई नीज। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल एक्सरसाइज है। अगर आपको अपना फैट बर्न करना है तो भी आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। एक्सरसाइज को करने से हमारी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से कैलरी बर्न होती है। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कि कितनी ज़्यादा हेल्पफुल एक्सरसाइज ये है। तो दोस्तों, इस एक्सरसाइज को आपको 1-2 ऐसे काउंट करके 30-30 के आप 3 सेट लगा सकते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, ये फुल बॉडी एक्सरसाइज है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ इसको किस तरह परफॉर्म करना है। तो नॉर्मली आपको शुरू में एक पैर अप करना है, उसके अपोजिट हैंड को अप करना है कुछ इस तरह। एंड देन पहले स्लो स्लो ऐसे कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। फिर मैं बताता हूँ, फिर देखिए स्लोली बताता हूँ पहले ये। तो ये है इसका तरीका। तो ये थी दोस्तों हमारी सेकंड एक्सरसाइज, और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल एक्सरसाइज है आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए फुल बॉडी एक्सरसाइज है दोस्तों। ये भी, इस एक्सरसाइज को करने से आपके लेग स्ट्रेंथन होंगे, आपकी कोर स्ट्रेंथन होगी, आपके शोल्डर्स स्ट्रेंथन होंगे, आपकी बैक स्ट्रेंथन होगी, आपके ग्लूट्स स्ट्रेंथन होंगे, आपकी काफ स्ट्रेंथन होगी। तो पूरी फुल बॉडी इसमें भी इन्वॉल्व है और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल एक्सरसाइज है दोस्तों। थोड़ी सी सांस भर गई है पर कोई बात नहीं दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं अपनी थर्ड एक्सरसाइज की। तो इस एक्सरसाइज का नाम है दोस्तों बर्पीज। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। तो बर्पीज के दोस्तों आप 15 या 10-10 के 3 सेट लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूँ किस तरह इस एक्सरसाइज को परफॉर्म किया जाता है। तो दोस्तों, पहले तो आपको नॉर्मली पुशअप्स की पोजीशन में आना है। मैं आपको पहले स्लोली बताता हूँ। नॉर्मली आपको पुशअप की पोजीशन में आना है कुछ इस तरह, एंड पुश अप एंड जंप, पुश अप एंड जंप। तो ये थी दोस्तों बर्पीज, जो कि हमारी थर्ड एक्सरसाइज है। तो अब हम बात करेंगे अपनी फोर्थ एक्सरसाइज की, जिसका नाम है दोस्तों द
दंड बैठक प्लस स्क्वाट्स। तो दोस्तों आपको सुनकर लग रहा होगा ये तो देसी एक्सरसाइज है, बट दोस्तों मैं आपको बता दूं डेली बेसिस पे बस इस एक्सरसाइज को भी करते हैं तो आपको पूरी बॉडी में कोई और एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। 10-10 रैप लगाने हैं आपको, 3 सेट करने हैं इसके। तो नॉर्मली दोस्तों आपको फिर से पुशअप्स वाली पोजिशन में आ जाना है और देन उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ स्लोली स्लोली किस तरह आपको इसको परफॉर्म करना है। ये दोस्तों नीचे जाना है पूरा ऐसे एंड अप एंड देन ये एंड फिर खड़ा होना है और फिर ये 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 तो दोस्तों ये थी हमारी 4th एक्सरसाइज। तो अब हम बात करने वाले हैं अपनी 5th एक्सरसाइज की, तो इसका नाम है जंपिंग स्क्वाट्स। चलिए इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं कि किस तरह से एक्सरसाइज को करते हैं। तो साथ ही साथ दोस्तों मैं पहले इससे पहले आपको ये बता दूं कि आपको इसको कितने सेट और कैसे रैप लगाने हैं। इस एक्सरसाइज के आप 10-10 के रेपिटेशन के साथ 3-4 सेट्स कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ आप इसको किस तरह परफॉर्म करते हैं, किस तरह। पहले नॉर्मली आपको इस प्रकार खड़ा होना है एंड देन नीचे जाना है और अपने दोनों हाथों को कुछ इस प्रकार रखना है एंड दोनों हाथों को ऐसे नीचे की तरफ पुश करना है, इसे पुश करना है और हाथों के फ्लो के साथ आपकी बॉडी को अप करना है। ये ये दोस्तों इस एक्सरसाइज को करते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा आप जंप हायर करोगे उतना ज्यादा इस एक्सरसाइज का आपको बेनिफिट होने वाला है। तो ये थी दोस्तों हमारी 5 बेस्ट एक्सरसाइज जो कि आप विंटर्स में कर सकते हैं। अगर आप इन एक्सरसाइजेस को डेली बेसिस पे ठंडियों में 5-10 मिनट भी करते हैं तो आप अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से फिट रख पाएंगे, अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ मेरी वीडियो से आपको कुछ हेल्प होगा। अगर मेरी वीडियो से अगर आपको कुछ हेल्प हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, टाटा, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।